हेलो कश्य पिता जगज्जन पिता ब्रह्मांडनाथ पिता पंच प्राण पिता महीधर पिता हे नाथ भूमि पिता गंगा नद्यानीर प्रवाहक पिता हे चंद्र सूर्य पिता हे विश्व स्वरूपं पिता मह पिता त्राहि तुमेव प्रभु त्राहि तुमेव प्रभु। आज ये स्वतंत्र अध्याय को श्रोता बंधु दर्शक बंधु मान को स्वागत। जेतेबले देवराज इंद्र मने मने भाविचंती जे कि वृद्ध को कौनसी लाच दे प्रवेश करी वृद्ध को भिकारी बोली संबोधन करिछंती। ये वृद्ध शंकर भगवान जी कि वृद्ध रूप धारण कर इंद्र को परीक्षा करुछंती। इंद्र कथार कर्णपात न करिबारु परस्पर मध्यरे तिक्तता बढ़ी जाइछि। परस्पर मध्यरे कहिले तो भूल हो जीव। देवराज इंद्र तांकर इंद्रपणिया को सब्यस्त करिबा को जाय जाहिर करिबा को जाय वज्र प्रहार करिछंती कहा को ना से वृद्ध को वृद्ध रूपी शंकर भगवान को शंकर भगवान गला देश वज्र निक्षेपित होते संपूर्ण वज्रटी फेरी जाइए इंद्रदेव पाखु गला नीलवर्ण हो जिते नीलवर्ण हो शंकर भगवान गला देश शंकर भगवान उठिकी ठिया होगले निजर स्वरूप को धारण कले देखिले संपूर्ण भाव अष्टब्द अष्ट नाग गुड़िक देहरे खंजा होती मुंडरे अच्छा नाग बाहुरे अच्छा नाग भुजरे अच्छा नाग कटिदेश बासुकी नाग शंकर भगवान ठिया होगले देखिदेले देवराज इंद्र कौन करी कौन करी कौन करी निराश होकर कौन कले ना सांगरे आसीथिले किए ना गुरुदेव आसीछंती किए गुरु होउछंती इंद्रंकर बृहस्पति पछरे शरण पशिगले पछरे नुची पड़ले कपानल करि शंकर भगवान गर्जन करिबाकु लागिले। देवराज इंद्र पछरे गुरुंकर बृहस्पति पछरे जाई शरणापन ही नुची गले। शंकर भगवान कहिले हे गुरु बृहस्पति आपण आड़ हो जांतु आपण आड़ हो जातु इंद्र को इंद्रर प्रतिशोध मु नेबी तार अहंकार पणिया तार गर्व पणिया भग्न करी। आरे जी हूँ इंद्रंर गुरु सी भी हूँ शंकर भगवान गुरु देवराज बृहस्पति हूँ देवता मान गुरु शंकर भगवान को सी कहिले हे शंकर भगवान दंडीवा शक्ति जार थी से पुणी क्षमा आचरे ना आरे शंकर भगवान तुम्हें टी स्थिर हुओ स्थिर हुओ स्थिर हुओ। जेतेबले जो समय इंद्र निक्षेप करते वज्र क्या प्रति वृद्ध रूपी शंकर भगवान प्रति जेते प्रतिहत करती शंकर भगवान से गोटे अग्निर स्फुरण घटी आग्नि की स्फुरण को धरी किए ना शंकर भगवान शंकर भगवान धरी पकईले शंकर भगवान धरी पकईले से मन मन चिंता कले यो अग्निटी मुझे अग्नि की छाड़ी कौटी शंकर भगवान जो कोप से कोप को से धरिक हाथ रखी थे। रुद्र अनल पड़ी जले इंद्र अर्जिला कर्म फले जात बाड़क रूप धरी कांदई घोर राव करी मने मने शंकर भगवान कोपित तो होकर चलीगले समुद्र जल से अग्नि रूपी गोटे अग्नि की पिंडुला को छाड़ीदे क्रोध महाक्रोधर शंकर भगवान महाक्रोधर जो अग्नि उत्पन्न होता से समुद्र भितर को ताको निक्षेप करदे निक्षेप करदे ये अग्निटी कौन है ना जीवंत हो गला अग्निटी जीवंत हो जीवंत होकर कुआ 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 हो राव कर कांदवा को लगला अग्नि कुआ 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 होकर जीव हो कांदवा को लगला। तरस्त हो सर्वजंतु कही न जाने किस हेतु स्तंभित वारानिधि पाणी जलधी राजा ताशुणी वरुण राजा कान में बाजिला जलधि बोले समुद्र समुद्र राजा हूँ वरुण वरुण मन मन भावुं ये समुद्र गर्भर किए गोटे कांदुची किए गोटे कांदुची किए गोटे कांदुची यही कथा मन मन भाविकी मिले बाड़कर पासे कुमर रूप देखी तो से कहला रे ही कांदुची ये कौन गोटे बाड़क पिलाटे कांदुची ये छोटिया पिलाटे कहीं कांदुची कहीं कांदुची उतन साई हो पड़ी कांदई करी घोर रड़ी चित्कार करी कांदुची। वरुण चेष्टा कले बुझेवाई वरुण चेष्टा कले कहले तुम्हें कांदना ही कांदना ही कांदना ही कहीं कांदु तुम्हें किए
ये शिशुटी बुझुना शिशुटी कांजीवा को लगुची क्रोध निवार मन बाक कर ईरोदन बेलु बेल दीर्घ रड़ी जेने प्रलय घड़ घड़ी उलुका पाते जेने मोहि जगत जन देखी आरोही मोराल वाहने प्रवेश सिंधु सनिधाने जेतेबले ई प्रकार कार्यक्रम होइछि सेतेबले बुझुनाहंती वरुण राजा बुझेई पारुनाहंती ब्रह्मा एक कथा जाणीगले जलेश्वरंक पाखरे हंस वाहन रे आरूढ़ ही ब्रह्मा जेतेबले पहुँची गले वरुण राजांकर टिके बल पाइगला वरुण राजा ब्रह्मांकर पाद तले पड़ी कहुचंती हे ब्रह्मा देख अद्भुत कथा ये समुद्र भितरे छोटिया पिलाटा कांदुची काहीकि कांदुची मु बुझी पारुनाई जेते बुझौची से मध्ये बुझुनाई आपण यार विचार करंतु ये विभ्राट कर चली जाइंटी जितेबले शिशुटीए जन्म होरुण राजा बुझे बुझे पारुनातीतबले आसी पहुँचुंट किए ना ब्रह्मा पहुँचुंट ब्रह्मा को वरुण कहूँ तुम्हें टी पाटा को बोध कर दि बोध कर दि ब्रह्मा पिलाटी बुझौं कौन हे पिला तोर कौन होह तोर जहाँ इच्छा मुझे पूर्ण करदेवि तुम्हें टी थयधर 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 बोले क्रोध शांत कर जुवा अवस्था हे तोर ये सृष्टिर कर्ता जी हूँ ब्रह्मा ये छोटिया पिलाटा पाखर कौटि चली जापर कौटि बलई जापर कौट अवमानना करें तुम जहाँ दरकार मुझे बुझी तुम्हें गोटे काम कर तुम शिशु अवस्था बर्तमान युवक अवस्था हो जाओ तत्णात् शिशुटी युवक अवस्था धारण कर क्रोध शांत कर जुवा अवस्था हे तोर इच्छा रे भोग कर मोहि तोते जीणंता के ही नाही ब्रह्मा बल प्रदान करदे कहले तुम्हें आनंद भाव रुह मोहि भोग कर आमें ये शिशु रूप को छाड़ी युवक रूप धारण कर तुम्हें त्रिपुर रे राजा हुओ आम चिंता दक किसी रहा यही बर मु तुमको जाऊँ जलुजे हेलु अवतार नाम तो हेउ जलंधर कहे तुम्हें ये समुद्र जलरु जेहेतु जन्म हल तुम पिता माता परिचय तो ना तथापि व्यक्तिर नाम ही तार परिचय राम तार नाम रे परिचित गोपाल तार नाम रे परिचित गोविंद तार नाम रे परिचित जो नाम न था गोटे लोकर परिचय समाज में किसी न था ब्रह्मा गोटे सुंदर नाम करदे जलरु जेहेतु तुमको आम उधार कलु तुम्हें हौच जलंधर तुम ना है जलुजे हेलु अवतार नाम तो हेउ जलंधर एमंत विहि वाक्य बोध कुमर शांत कला क्रोध छोटिया कौलिया शिशुटा सांगे सांगे युवक पाल्टिगला ब्रह्मा का आशीर्वाद कांद तार बंद हो गला रूप जौवन संभव हो गला सी सुंदर वर प्राप्ति पाईगला नाम दिगला जलंधर कहले तुम समकक्ष के जोधा रे ना तुम्हें हल महाज्ञानी महापंडित जलंधर तुम्हें हौच आज ठारू महाशक्तिमान तुम्हें जहाँ चाहब ताहापर ब्रह्मा बलरे बलियान ही गले मगवा शरीर तक्षणे नमयी विधाता चरणे कपाड़े जोड़ी बेनी कर बोलई शुण बेदबर तुम्हें माने जे एक जणे मती समय अर्पी मंत्री पणे समते कहू राजनीति जेबे प्रसन्न वेदपति कले तुम्हें जदि मत दया कल तुम्हें जदि कह शासक हेबी मु राजा हेबी ताले मोपाई जड़े मंत्री तो दरकार ना मु तो किसी शुणी ना ना कि शिखे ना ना कि जाणी ना ना आपण गोटे उपयुक्त मंत्री मत प्रदान करतु जी कि मत राजनीतिर कथा वेद नीतिर कथा धर्म नीतिर कथा साम दंड दान भेद ये चतुर्भुग कथा मत शिक्षा दब आपण से कृपा करतु से कृपा करतु जलधर जलंधर कौन कले ना मुंडिया मारी प्रणाम कर मत यही कथा दियंतु से मत कहू राजनीति जेबे प्रसन्न वेदपति हे वेदपति हे वेद बाचस्पति तुम्हें हौच मुख्य जमी विधानसभा बाचस्पति था सेमती देवता मान बाचस्पति होती कि देवराज इंद्र से कहुए वेद बाचस्पति कहुए सागर सुत वाक्य विहि चिंतिले शुक्र मुनि तो ही मन मन चिंता कले कले क्या गुरु आपको दबाक पड़ो शुक्र मुनि के चिंता कले
कहले केवल शुक्र ही आंकु देई पारिबे। शुक्राचार्य गुरु शुक्राचार्य ही केवल ये पिला को शिक्षा दे पारे राजनीति साम दंड दान भेद ये चतुर्वर्ग कथा दे पारे कसणे ब्रह्मांक अग्रत आसी मिलिले भृगु सूत तत्क्षणात ब्रह्मा जितेबले स्मरण करदे भृगु मुनि पुह होती किए ना शुक्र शुक्राचार्य गुरु शुक्राचार्य आसी पहुँची गले चरणे कले नमस्कार कल्याण करे दबर आज शुक्राचार्य प्रणाम कले आसिकी ब्रह्मा को ब्रह्मा आशीर्वाद करी कहिले बोलती शुण शुक्रपति दुई सकल गुणे ख्याति कहले हे शुक्रपति तुमर तो अनेक सुख्याति रही सिंधुसूत तु जलंधर मर्त्यमंडले राजा कर ये सिंधुसूत जलंधर को ये मर्त्यमंडल राज्याभिषेक कराई दि आज ब्रह्मा कहीदे मंत्री तु थु ये हाथुले एमंत कह भी गले कहले से नुह जलंधर मर्त्यमंडल राजा हे आमे पाखरे गुरु शुक्राचार्य तुम्हें ताखे मंत्री होकर रही बो। एक था कहीक राज्यभार समर्पण करदे क्या ना जलंधर को समर्पण करदे एवं शुक्राचार्य को मंत्री भाव में मुतयन कर वेद बाचस्पति ब्रह्मा विदाय नहींगले एवर बलिराजा समस्त देवता मान वशीभूत कर रखी थे बलि ठारु आहुरी महान होगले ब्रह्मा बल बलियान होगले किए ना राजा जलंधर स्वर्ग मर्त्य पाताल तीनपुरी समस्त राक्षस मान जलंधर बल खबर पाई जलंधर पाखे शरणापन होगले देवता माने लुचिगले जलंधर आज महाबल बलियान होगले समस्ते आसिकी जो मैंने रे योद्धागण मान रे समस्त योद्धागण आसिकी मथा पातिकी सही चरणापन होगले क्या पाखे ना जलंधर पाखे जलंधर यही सुजगे जलंधर मने मन चिंता करुची शपथ दीपे चक्रवर्ती होला सगर सतति सप्तीप आपण मानक पूर्व अध्याय मुझे जम्बुदीप कुशदीप महीदीप कंदर दीप मंदर दीप शालमली दीप एवं सिंहदीप कथा आपण मानक ये सप्तीप राजा होगले सगर सुत एक दिने विजय संभर्व असने शुक्र सहित दैत्य बल शनि अच्छा सकल समस्त दैत्य मान पाखे अच्छा एमंत राहु महादैत्य पाताल पुरु उपगत मिलला जलंधर आगे निजे शरीर बेनी भागे आसिकी किए पहुँची गले ना राहु पहुँची गले एमंत राहु महादैत्य पाताल पुरु उपगत पातालपुर किए ना राहु थिला आसी पहुँची गला जलंधर बसी सिंहासन उपरे राहु को देखीदे पचारे शुक्र मुनि की पचारे कह अरे ये किए ये गोटाए ना दीटा ना आज्ञा ये गोटाए थी दीटा होना केमी गोटाए थी दीटा होना आपण से कथा जाणी नाई ना नहीं कौन होणतु जोबले समुद्र मंथन कराला से राक्षस गोटाए पट रही देवता माने गोटाए पटे रहिले बासुकी नाग को दौड़ी करी मंथन कले समुद्र को मंथन कले अनेक अनेक द्रव्य बाहर अमृत बाहर ऐरावत हस्ती बाहर उचिश्रवा गज बाहर समस्त कथा बाहर लक्ष्मी बाहर चंद्र बाहर विष बाहर अमृत बाहर अष्टरत्न बाहर अष्टनिधि बाहर समस्त कथा बाहर पर देवता माने मने मने चिंता कले जे आमे केमिति बंचिबा ओ राक्षस माने केमिति मरिबे देवता माने अमृत पान कले चिंता कले राक्षस मानकु विष देई देबे ये महाचतुर ये किए केतु ये कौन कले जो पटरे बसचंती देवता माने बसचंती सेई पटरे बसिकी बसिगले अमृत देई देले किए ना अमृत खाइबाकु देई देले मोहिनी कन्या धारण करी विष्णु कौन करुछंती एतले दउछंती सेतकी बेले ये कौन कले केतु ग्रह कौन कले ये अमृत टिके देदेले से पाई नारायण चिंतित हो गले बड़ आश्चर्य कथा केतु वर्तमान अमृत खाईदे कौन करा पड़ो ना ये मरव तो ना अमृत हो गला चक्र सुदर्शन चक्र प्रेरण कर मथा टिके काटिदे मथा टिके काटिदेला गोटाए जगार शरीर रहा गोटाए जगार रहा मुंड ए मुंड भी बंचला आ शरीर भी बंचला दीटा को बंचिक रहा हेले अकामी हो गला आई बल शून्य हो पार नहीं आरे शरीर से ना मुंड थिले मुंड देहरे शरीर थिले मनीष काम कर
ଆଉ ଯଦି ଶରୀର ଅଲଗା ମୁଣ୍ଡ ଅଲଗା କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ଅଛି, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଜୀବ। ଜଳନ୍ଧରର ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଗଲା କଲା କ'ଣ ହେଲା? ତାହେଲେ ରାକ୍ଷସମାନେ ମରିବା ପାଇଁ ଦେବତାମାନେ ଏଇ କଥା କଲେ, ସମୁଦ୍ରରୁ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା, ଦେବତାମାନେ ହରଣ କରିନେଲେ, ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଛାଡ଼ିବିନି ଛାଡ଼ିବିନି ଛାଡ଼ିବିନି, ସେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ରଖିବାକୁ ଜବତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶୁକ୍ର ସହିତ ଦୈତ୍ୟ ବଳ ଶନିଦେ ଅଛନ୍ତି ସକଳ, ଏମନ୍ତ ରାହୁ ମହାଦୈତ୍ୟ ପାତାଳ ପୁରୁ ଉପଗତ, ମିଳିଲା ଜଳନ୍ଧର ଆଗେ ନିଜ ଶରୀର ବେନି ଭାଗେ, ତାହାକୁ ଦେଖି ସିନ୍ଧୁ ସୁତ ବୋଲଇ ଏକି ବିପରୀତ। ରାହୁ ବଚନେ ଦୈତ୍ୟ ନାହା ବୋଲଇ ଗୁରୁ କର ଏହା, ରାଜା ବଚନେ ଶୁକ୍ର ମୁନି କମତି ଶିଷ୍ୟ ସ୍ନେହ ଘେନି, ଶୁଣି ରାଜନ ଚୂଡ଼ାମଣି ଏପରା ସତ୍ୟ ଯୁଗ ବାଣୀ। ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଜଳନ୍ଧର କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଆକୁ ଶିଷ୍ୟ ଭାବରେ ରାହୁକୁ ଆମ ପାଖେ ରଖ, ରାହୁ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲାଣି ମାନେ ରାହୁ ଆମ ପାଖେ ରହିଯାଉ। ଯେ ପାପି ସାଗର ମନ୍ଥନୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସହିତେ କାମଧେନୁ, ପୁଷ୍ପକ ଆଦି ଯେତେ ରଥେ ସୁସ୍ୱାଦି ଔଷଧ ସହିତେ, ହରିଚନ୍ଦନ ପାରିଜାତ ଉଶେଷ ବାଦି ଐରାବତ, କୌସ୍ତବ ଆଦି ମଣିମାନ ଉପଜେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ। ଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ସେ ଲୁଟୁ ନେଇଗଲେ। ଏ ରାହୁ କଶ୍ୟପ ସନ୍ତତି ଶିକା ଗର୍ଭ ଉତ୍ତପତି, ଚତୁର ପଣେ ବୁଦ୍ଧି ବଳେ ମିଳିଲେ ଦେବତାଙ୍କ ମେଳେ। ଦେବତାଙ୍କ ମେଳରେ ମିଳି ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଅମୃତ ପାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ବଞ୍ଚିଯାଇ ବଞ୍ଚି ହତ୍ୟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମରିଲେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ କଥା ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସାରୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ମନେ 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 ଆଜି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଜଳନ୍ଧର, ଯେ ଇ ସବୁର ଅଧିକାର ହେଉଛି ମୋର, ମୁଁ ହେଉଛି ସାଗରର ସୁତ, ମୁଁ ହେଉଛି ଜଳନ୍ଧର, ଦେବତାମାନେ ଏ କଥା କାହିଁକି ନେଇଗଲେ? ଏବେ ପୁଛିଲ କେ ଯେଉଁ କଥା କହିଲି ଶୁଣ ମହାରତା, ଏ ରାହୁ ଦଣ୍ଡ ଏ ପ୍ରକାରେ ଏବେ ଖଟିଲା ଆସି ତୋରେ, ଆସ୍ଥାନ ତଳେ ଉଭା ହୋଇ ବୋଲଇ ଶୁଣ ସଚି ଛାଇ ଛାଇ, ଭସ୍ମର ନାମ ବିଦିତ ମୁଁ ଜଳନ୍ଧର ରାଜା ଦୂତ। ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୂତ ପଠେଇଦେଲେ, କହିଲେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କର, ତୁମେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଦିଅ, ଜଳନ୍ଧର ପଠେଇଲେ, ତାଙ୍କ ଦୂତ ନାଁ ହେଉଛି ଭସ୍ମର। କହିଲେ ଯୁଦ୍ଧଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ବିନା ଯୁଦ୍ଧରେ ଏସବୁ ପଦାର୍ଥ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମକୁ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ନାରାୟଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚିନ୍ତା ପଶିଗଲା। ନାରାୟଣ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, କ'ଣ କରିବା କ'ଣ କରିବା, ମୁଁ ତାର ଆଣିଛି ବାରତା, ଶୁଣ ହେ ସକଳ ଦେବତା, ପୂର୍ବେ ଯେ ମନ୍ଥିଲ ସାଗର ବିଷ୍ଣୁ ସହିତେ ସୁରାସୁର, କହିଁ ପାଇଲ ଯେତେ ଦ୍ରବ୍ୟ ତୁମେ ଆଣିଛ ତାହା ସର୍ବ, ନ ଦେଇ ଅସୁରଙ୍କୁ କିଛି ସେ କଥା ଜାଣି ସିନ୍ଧୁ ବସିଛି। ସିନ୍ଧୁ ସାଗରର ସୁତ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଳନ୍ଧର, ରାଜା ଜଳନ୍ଧର ନିଜର ଦୂତ ଭସ୍ମରଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲାବେଳକୁ, ଭସ୍ମର ଗଲାବେଳକୁ ଦେବତାମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଦେବସଭା ଚାଲିଛି। କହିଲେ, ମୁଁ ଜଳନ୍ଧରଙ୍କର ଦୂତ ଆସିଛି, ଭସ୍ମର ମୋର ନାମ। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ପଚାରିଲେ, ତୁମର ଅଭିପ୍ରାୟ ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ନା ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ସମୟରେ ଆପଣ ଯାହା ଯାହା ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଜଳନ୍ଧର କହିଛନ୍ତି ସେସବୁ ଗୁଡ଼ିକରେ ତାଙ୍କର ଅଛି ଭାଗ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ତଦୂତ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି କୋପେ କହ ଇ ଚକ୍ର ପାଣି, ଏଠାରୁ ନିଜ କେଶ ଧରି ଘୌଡ଼ ଜୀବନେ ନ ମାରି। ଦେବରାଜେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ଦୂତମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, କହିଲେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତାଙ୍କର କେଶ ଧରିକି ତାଙ୍କୁ ନେଇଯାଅ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାର ନାହିଁ, ଆଙ୍କୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ବିତାଡ଼ିତ କରିଦିଅ। ବାସବ ଆଜ୍ଞା ପରିମାଣେ ଧାଇଲେ ସେ କିଙ୍କର ଗଣେ, ଭସ୍ମର କେଶ ଧରି ନେଲେ ନଗର ଉପାନ୍ତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଦେବରାଜଙ୍କର ନଗରର ଉପାନ୍ତରେ ଭସ୍ମର ଦୂତକୁ ପ୍ରହାର କରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। କହିଲା ଜଳନ୍ଧର ଆଗେ ଭସ୍ମର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ରାଗେ, ଚକ୍ରଧେ ସାଗର ନନ୍ଦନ ସାଜିଲା ଅସୁର ସଇନ। ଯେତେବେଳେ ଦୁନିଆର ଦୂତଠାରୁ ଶୁଣିଗଲା ଯେ ମୋତେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅପମାନିତ କରି ମୋତେ ଗୋଳା ଧକା ଦେଇ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦୂତମାନେ ମୋତେ ଆଣି ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲେ, ମୁଁ ଜୀବନ ବିକଳରେ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଶୁକ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କି ବେଗେ ନେଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ କୋଲା କୋଟକାଇ, ଶୁକ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଜଳନ୍ଧର କ'ଣ କଲା ନା, ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି କ'ଣ କଲେ, ଚାରିକଡ଼ ଯାକ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କଲେ ନା, ଘେରିଗଲେ, ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସହସ୍ରେ ଅଇକ୍ଷୁଣୀ ତା ବଳ ଗମନ୍ତେ କମ୍ପେ ଭୂମଣ୍ଡଳ,
ଶହେ ଐକ୍ଷଣୀ ସୈନ୍ୟକୁ ନେଇ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜଳନ୍ଧର କଣକର ନା ଘେରାଉ କଲେ, ଛତ୍ର ଛାଉଣି କରିଦେଲେ। ବିମଳ ଛତ୍ର ପନ୍ତି ପନ୍ତି ନଦେ ସେ ଦିବାକର ଜ୍ୟୋତି, ଜାଣି ସକଳ ସୁର ଗଣେ ଇନ୍ଦ୍ର ସହିତ ମିଳିରଣେ। ଦେବଦାନ ବେ ଭେଟ ପଡ଼ି ପ୍ରୀତି ଓ ବ୍ରତ ଦୂରେ ଏଡ଼ି, କରନ୍ତି ସେହି ଘୋର ରଣ ବିନ୍ଧନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ବାଣ। ଦେବତା ଏବଂ ଦାନବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଆଜି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ଇଏ ରାକ୍ଷସଟି ମରୁନାହିଁ, ବ୍ରହ୍ମା ବଳରେ ବଳିଆନ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଦେବତାମାନେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ କାହା ପାଖରେ, ନା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖରେ। ବିଷ୍ଣୁ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବ୍ରହ୍ମା ବଳରେ ତ ବଳିଆନ ହୋଇଛି ଜଳନ୍ଧର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ତ ଦେବତାମାନେ ପାରିବେ ନାହିଁ, ଦେବତାମାନେ ହାରିଗଲେ ଅପମାନ ପାଇବେ, ଯଦି ମରିଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ମୋତେ ଘଟି ଆସିବ, କ'ଣ କରିବି କ'ଣ କରିବି। ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଜଳନ୍ଧର କିଏ ନା, ଜଳନ୍ଧର ହେଉଛନ୍ତି ବରୁଣଙ୍କର ପୁତ୍ର, ବରୁଣଙ୍କର ପାଳିତ ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଜଳନ୍ଧର, ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ବରୁଣଙ୍କର କନ୍ୟା। ତାହେଲେ ଜଳନ୍ଧର ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି କ'ଣ, ନା ଭାଇ ଭଉଣୀ। ମନେ ମନେ ଏଇଠି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା କଲେ, ବଡ଼ ମାୟା ବି ଯିବ ସିଏ। ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଗୋଟିଏ ମୁଁ ସନ୍ଧିଟି କରିଦେବି, ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଜଳନ୍ଧରଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମ୍ପର୍କକୁ ଯୋଡ଼ିଦେବି। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଲେ, ହେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଗୋଟେ ଘୋର ବିପଦରେ ମୁଁ ପଡ଼ିଛି। ନା କ'ଣ ହେଇଛି, ନା ତୁମେ ଜାଣିଛ, ତୁମେ ସିନା ସମୁଦ୍ରରୁ ଜାତ ହେଇଛ, ଆଉ ଜଣେ ସମୁଦ୍ରରୁ ଜାତ ହେଇଛନ୍ତି, ନା କିଏ, ନା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଳନ୍ଧର, ନା ହଁ, ନା ସିଏ ଜଳନ୍ଧର, ନା ସମ୍ପର୍କରେ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛ ଭାଇ ଆଉ ଭଉଣୀ, ଗୋଟେ କଥା କରିବ। ତୁମେ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଲେ ସେ ଟିକେ ଯୁଦ୍ଧରୁ ବିରତ ହେଇଗଲେ, ଏ ଦେବତାମାନେ ରକ୍ଷା ହେଇଯାଇପାରିବେ। ଏଇ କଥା ମନେ ମନେ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ବାଣୀକି ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। ଓଂ ପୂର୍ଣ୍ଣମଦଃ ପୂର୍ଣ୍ଣମିଦଃ ପୂର୍ଣ୍ଣାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣମୁଦଚ୍ୟତେ ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମାଦାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମେବାବଶିଷ୍ୟତେ। ଓଂ ହରି ଓଂ, ଶାନ୍ତିଃ ଶାନ୍ତିଃ ସୁଶାନ୍ତିର୍ଭବତୁ।